बच्चों, मैं आप लोगों से अम्ल कक्षा 10 के बच्चों के साथ अम्ल क्षार और लवण पर चर्चा कर रहा था। तो अभी तक हम अम्लों के गुणों पर हमने चर्चा की थी, और अब हम जो चर्चा मैं पिछले सेशन में जहां तक हमने चर्चा की थी, हमने कहा था अम्ल तथा क्षारक का जलीय विलयन। अब हम इससे आगे चर्चा करते हैं आपके साथ। चलिए मेरे साथ बोर्ड पे। तो देखो बच्चों, मैं अपने पिछले सेशन में मैंने आपसे चर्चा की थी कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, और ये हमने क्लियर बात कर ली थी आपसे कि अम्ल का जो एच पॉजिटिव आयन होता है, ये हमेशा जलीय विलयन में किस आयन के रूप में रहता है? H3O के रूप में रहता है। अब हम आपसे बात करेंगे कि क्षारक, ठीक है ना, क्षारक जलीय विलयन में किस किस प्रकार से उपस्थित रहता है। तो अब हम बात करेंगे क्षारक की। किसकी बात करेंगे? क्षारक की बात करेंगे आपसे। तो देखो, क्षारक जल की उपस्थिति में हमेशा OH माइनस आयन देता है। ये हमने पढ़ा है कि क्षारक जल की उपस्थिति में, क्षारक जल की उपस्थिति में हमेशा कैसा आयन देता है? OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन देता है। ठीक हो गया। और हमने बात की थी, देखो बच्चों, मैंने कहा था ना कि ये NaOH का अगर हम कैसा विलयन बनाएं, इसका किसके साथ विलयन बनाएं? जल के साथ विलयन बनाएं, तो ये हमेशा N पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में भी, नेगेटिव आयन में टूट जाता है। अब मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि मैं कभी कभी आता है कि अगर आप लोग थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिए। अब मैं कह रहा हूं कि जो NaOH है, इसको हम क्षारक भी कह रहे हैं और क्षार भी कह रहे हैं। और कई बार बच्चों कंफ्यूज करते हैं, आप लोग पूछा क्षार के बारे में जाता है, लिखा क्षारक के बारे में। देखो, क्षारक तो सीधी सी क्लियर हो गया कि जो जल में OH आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, वो क्या हो गया? क्षारक। ये भी OH आयन देगा, लेकिन क्या होगा? ये जलीय विलयन जल में, क्या जल में क्या होगा ये बताओ? जल में क्या होगा? ये जो क्षार होगा जल में, घुलनशील क्षारक को, देखो हम कह रहे हैं कि ये क्षारक, हम इसको क्षारक भी कह रहे हैं और क्षार भी कह रहे हैं। ये तो क्लियर है कि ये दोनों जगह क्या क्या कर रहा है हमारे पास? माइनस OH माइनस आयन दे रहा है। लेकिन अब हम इसको क्षार भी क्यों कह रहे हैं, क्षारक भी क्या क्यों कह रहे हैं? तो हमने कहा था और पिछले सेशन में मैंने बात की थी कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक को, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कह सकते हैं? क्षार कहते हैं। अब याद रखना, हम क्षार कहते हैं। समझ रहे हो अब आप? देखो, क्षारक तो वो सभी पदार्थ हो गए जिनका जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सभी, जो सभी के सब जो पदार्थ हैं, वो जल में क्या हो? घुलनशील हो। NaOH जो साबुन में भी पाया जाता है बच्चों, तो ये जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो अब आज क्लियर हो जाना, क्षारक, क्षारक जल की उपस्थिति में OH माइनस आयन देता है। कौन? क्षारक। ये आप पढ़ लिया आपने। और क्षार कि वे क्षारक, क्या क्या कहेंगे हम? कि वे क्षारक, ठीक है ना, जल जो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक चर्चा आप लोगों से कर लूं। देखो, एक शब्द आता है हमारे पास, दो शब्द आते हैं हमारे पास, सांद्र, ठीक है, और एक आता है तनु। आप कभी कभी प्रयोगशाला में जाते होंगे बच्चों, तो आपने देखा होगा कि ऐसा लिखा रहता है CONC, और माना लिखा है HCl, या लिखा है कि CONC और H2SO4, कंसंट्रेट कहते हैं इसको, सांद्र विलयन, है ना। और तनु, इसी का अगर तनु विलयन होगा, इसको लिखा रहता है डाइल्यूट HCl। इसको दिल नहीं है, क्या है? डाइल्यूट है। और ये है डाइल्यूट H2SO4। ठीक हो गया। तो अब माना, मैं बात कर रहा हूं कि सांद्र विलयन और तनु विलयन,
तनु विलयन की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर सांद्र विलयन हम किसको कहेंगे और तनु विलयन किसको कहेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं आपको। देखो विलयन हमेशा क्या होता है, विलेय विलेय और विलायक। अगर हम विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को, विलयन और विलेयक के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। देखो अब दो शब्द आ रहे हैं हमारे पास, विलेय और विलायक। मानो देखो बच्चों, अगर हम चीनी है हमारे पास, अगर हमारे पास चीनी है और इस चीनी को हम किसमें घोल रहे हैं, इस चीनी को हम किसमें घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, ठीक है ना, और तब क्या बनेगा, विलयन बनेगा, तब क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो देखो अब चीनी, चीनी क्या है इसमें, विलेय, और पानी क्या है इसमें, विलायक, पानी क्या है इसमें, विलायक। सेम अगर मैं बात देखो, अब अगर मैं कहूं कि चीनी और पानी का हमको कैसा विलयन बनाना है, सांद्र विलयन बनाना है, कैसा विलयन बनाना है, सांद्र विलयन बनाना है, सांद्र विलयन बनाना है, कैसा विलयन बनाना हमने इसका, चीनी और पानी का कैसा विलयन बनाना है, सांद्र विलयन बनाना है। तो सांद्र विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विलेय जो हमारे पास क्या है, चीनी को अधिक, ये क्या है, ज्यादा, ये क्या होता है, ज्यादा का निशान होता है, तो चीनी की जो विलेय है हमारे पास, विलेय की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो विलायक है पानी, इसकी मात्रा क्या होगी हमारे पास, कम होगी। समझ गए, सांद्र विलयन जहां पर विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है, ऐसे विलयन को हम कैसे विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं, कैसे विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। और दूसरी बात हमारे पास आ रही है तनु विलयन की, कैसी बात आ रही है हमारे पास, तनु विलयन की, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। माना चीनी जो हमारे पास क्या था, विलायक था, सॉरी विलेय था, जो चीनी क्या थी हमारे पास, विलेय थी, इसकी मात्रा कम हो जाएगी किससे, विलायक से, विलायक अधिक हो जाएगा, और चीनी जो विलेय है, देखो समझ लो, चीनी और पानी का विलयन, तो चीनी क्या हमारे पास, विलेय है और विलायक, तो इसको हम दूसरे रूप में सांद्र विलयन, देखो हमेशा सांद्र विलयन में क्या हो जाएगा, जहां पर विलेय का सांद्रण किसके, विलायक से अधिक होगा, ठीक हो गया। और ठीक इसका उल्टा, जहां पर विलेय का क्या होगा, विलायक से सॉल्यूट और सॉल्वेंट विलायक से कम होगा, जहां पर विलेय का विलेय की मात्रा, तो ऐसे विलयन को हम कैसे विलयन कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। अब अगर मैं देखो यहां पर बात कर रहा हूं, माना कंसंट्रेट HCl की, माना कंसंट्रेट HCl में विलयन बनाना हमने, तो देखो हमने HCl और H2O का विलयन बनाना है, तो हम अगर हमने सांद्र विलयन बनाना है तो हम किसकी मात्रा ज्यादा रखेंगे, यस HCl की मात्रा ज्यादा रखेंगे, तो यहां पर क्या क्या स्थिति होगी, HCl की मात्रा अधिक होगी और विलायक की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसका ठीक उल्टा, अगर हम डाइल्यूट HCl बनाएं, तो देखो HCl और H2O, तो ठीक उल्टा हो जाएगा, इसमें HCl का सांद्रण कम हो जाएगा और H2O का सांद्रण अधिक हो जाएगा। तो अब आप लोग क्लियर हो गए, सांद्र विलयन और तनु विलयन, या आप लोग कभी प्रयोगशाला में जाते होंगे तो अब आप समझ गए क्यों लिखा रहा था कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट H2SO4, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, डाइल्यूट NaOH, कंसंट्रेट NaOH। तो अब क्लियर हो गया, सांद्र विलयन और तनु विलयन, जहां पर विलायक विलेय की मात्रा हमेशा विलायक से अधिक होती है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं, और जहां पर विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होती है, वो विलयन कैसा विलयन हो जाता है, तनु विलयन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सांद्र अम्ल और सांद्र तनु अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो अंतिम में बेटा, देखो एक चीज और हमेशा याद रखना, भविष्य में आप लोग आगे आगे प्रैक्टिकल करोगे तो जल के साथ अम्ल व क्षारक को मिलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखो एक छोटी सी बात मैं करूं, कि अगर हमारे पास देखो, हमने अगर माना अम्ल, अगर हमने अम्ल और जल का विलयन बनाना है, अम्ल और जल का विलयन बनाना, तो देखना याद रखना, जो ये अम्ल है, ये अम्ल जो है ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा
हानिकारक हो सकते हैं, अगर हमारे शरीर में कहीं गिर गए तो क्या हो सकता है, हमको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर हमने कभी जल में अम्ल को मिलाना है, माना ये बीकर है, तो हम यहाँ पर हमेशा H2O जल लेंगे, और जो एसिड होगा उसको हम धीरे 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 इसकी सतह से मिलाएंगे, ना कि हम ऐसा करेंगे कि बीकर में हम क्या ले लें, एसिड ले लें, और H2O को हम क्या करें, यहां से मिलाएं तेजी से, कभी नहीं मिलाएंगे इस प्रोसेस को जीवन में, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एसिड बहुत हानिकारक होती है। अब कभी कभी आता है शब्द कि क्या कारण है ना, कि जब हम पानी में एसिड को मिलाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, बीकर को हल्का हिलाते रहते हैं। तो हमेशा याद रखना, अम्ल और क्षार का विलयन, जब हम देखिए अम्ल को किसमें मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं, तो ये जो अभिक्रिया होती है, कैसी अभिक्रिया होती है, देखो ये जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी ये अभी आपसे थोड़ा इस पर चर्चा नहीं हुई है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषित। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया के दौरान क्या क्या प्राप्त होती है या क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यही अभिक्रिया यहाँ पर अगर हम एसिड को इसमें मिलाएंगे तो क्या क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और बहुत ज्यादा मिला देंगे तो बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी और एसिड जो है बाहर गिर सकता है, या ये कांच की बोतल को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो हमेशा, अब आपको क्लियर हो गया कि अगर हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो क्या उसको हल्का हल्का, उसको सतह पे हल्का हल्का मिला के उस कांच के बीकर को हिलाते हैं। क्यों, तो क्यों हिलाते हैं, क्योंकि ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वो बीकर से बाहर भी गिर सकती है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक हो गया बच्चों, तो इस तरह से अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, वो क्लियर हो गया। सूचक, इंडिकेटर कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, इंडिकेटर। अब देखो देखो, जैसे जैसे बच्चों तुमने देखा होगा कि हम जब सफर करते हैं तो माइलस्टोन लगा रहता है, कि माना हमें हमारा हम जहां हमको जिस शहर में जाना है उस शहर की दूरियां, उस शहर की दूरी माइलस्टोन पे लिखी रहती, समझ रहे हो आप। तो अब बात आ रही है हमारे पास कि सूचक क्या है और सूचक के उपयोग क्या है। तो देखो मेरे साथ देखो, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। देखो क्या है सूचक, देख लो सूचक क्या है, सूचक किसी, देखो सूचक किसी, सूचक किसी दिए गए विलयन में, सूचक किसी दिए गए सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति, अम्ल या क्षारक, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति, अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में, क्षारक माध्यम में, इनका रंग व गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है, अम्लीय व क्षारक माध्यम में, अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है, क्षारक माध्यम में बदल जाता है।
देखो अब क्या हो गया सूचक, मैंने कहा था ना जैसे सूचक कोई भी चीज हमें दिखानी है, देखो क्या है कि सूचक किसे कहेंगे, सूचक किसी दिए गए बिलियन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, उस बिलियन में अम्ल है या क्षारक है, इनका क्या करें, इनका रंग वो गंध अम्लीय वो क्षारक माध्यम में बदल जाता है। देखो अब देखो क्या है, देखो पहले हम क्या करते थे, अम्ल को टच करके देख सकते थे कि अम्ल है, चख करके देख सकते थे, है ना भाई, अम्ल और क्षारक हमने कहा कि स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन बेटो कभी भूल से भी हो अगर कंसंट्रेट अम्ल आँख हमने अगर गलती से हमारे मुंह में चले गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए जो हमारा वो मेथड था कि क्या करके टच करके या चख करके हम पता करें कि अम्ल है या क्षार है, तो ये क्या हो सकता था, बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो अब किसी बिलियन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को जो प्रकट करता है वो क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है, वो सूचक कहलाता है। सूचक मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, दूसरे प्रकार के सूचक जो हमारे पास होता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, कृत्रिम या हम इसको कहते हैं संश्लेषित सूचक, अभी इन पर हम बात करेंगे एक एक करके, संश्लेषित सूचक, और तीसरे प्रकार का जो सूचक हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। तो देखो ये तीन प्रकार के सूचकों की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि बिलियन में अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो अब हम पहले प्रकार के सूचक की बात करते हैं, प्राकृतिक सूचक। देखो हमारे पास जो पहले प्रकार का सूचक है वह है प्राकृतिक सूचक। अब देखो प्राकृतिक सूचक पहले तो हम कहेंगे किसी, वे सूचक जो हमें पौधों से, देखो प्राकृतिक प्राकृतिक सूचक कहेंगे किसको हम, कि वे सूचक जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, कहां से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो हमें कहां प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, कैसे सूचक कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक, पौधों से प्राप्त होते हैं, कैसे सूचक कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। देखो हमें अब हम दो प्रकार से प्राप्त प्राकृतिक सूचक, देखो मैं एक बात कर रहा हूं, मेरे पास लिटमस है, लिटमस भी कैसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, और दूसरा मैं हल्दी, आप सभी लोगों ने देखी हल्दी और हमेशा इसका प्रयोग होता है घरों में, हल्दी, दो चीजें हमारे पास क्या क्या है, लिटमस पेपर और हल्दी है। अब इससे हमने क्या पता करना है, हमने पता करना है इसे अम्ल और क्षारक, क्या पता करना है, अम्ल और, देखो ये लिटमस पेपर जो है ये अम्ल और क्षारक में कैसा कैसा व्यवहार, अम्ल और क्षारक की कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। अब कोई बिलियन हमने किसी बिलियन में, देखो हमने बिलियन लिया, ठीक हो गया, हमने बिलियन लिया और बिलियन का अगर हम लिटमस पेपर परीक्षण करेंगे तो हमें पता है कैसा हो जाएगा, लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इस मतलब अगर हमने बिलियन में लिटमस पेपर डाला और उसका उसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया, तो इट मींस उस बिलियन में किसकी उपस्थिति है, अम्ल की उपस्थिति है। और अगर उस बिलियन का रंग कैसा हो गया, पीला हो गया, उस बिलियन का रंग कैसा हो गया, पीला हो गया। अब देखो कैसे, अब दूसरी चीज देखो, अब अगर हमने माना हल्दी ली, ठीक है, हमने हल्दी ली, पहले हमने लिटमस पेपर लिया उस बिलियन में डाला, तो उस लिटमस पेपर का रंग कैसा हो गया, लाल हो गया, इससे हमको अनुमान लग गया कि हमारे पास उस बिलियन में क्या है, अम्ल है। और या हमने लिटमस पेपर नहीं लिया और हल्दी ली और उस बिलियन में अगर हमने हल्दी डाली तो हल्दी का जो पीला रंग है वो पीला रंग बना रहेगा, लेकिन जैसे ही हम क्षारक की बात करेंगे तो ये लिटमस पेपर का रंग जो लाल वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो अगर लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है तो इसका मतलब उसमें क्या है बताओ, हाँ वो बिलियन, उस बिलियन में क्या उपस्थित है, क्षारक उपस्थित है। और अगर हमने उसी बिलियन में हल्दी मिलाई और हल्दी का रंग कैसा हो गया, लाल हो गया, कैसा रंग हो गया, हल्दी का लाल रंग हो गया,
तो देखो आप सूचक इसने इंडिकेट कर दिया, देखो प्राकृतिक सूचक थे लिटमस पेपर भी और हल्दी भी, ये हमको किससे मिली, पेड़ पौधों से मिली। हमने जब लिटमस पेपर को इस विलयन में डाला तो इस विलयन में जो लिटमस पेपर का रंग था कैसा हो गया, लाल हो गया, जिससे क्या सिद्ध होता है कि ये विलयन में जो इस विलयन में क्या उपस्थित है, अम्ल उपस्थित है। और अगर उस लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाए, नीला, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि उस विलयन में क्या उपस्थित है, क्षारक उपस्थित है। दूसरे प्रकार से हल्दी का टेस्ट किया, अगर हमने विलयन में हल्दी डाली और हल्दी का रंग पीला ही रहा तो इट मींस उस विलयन में किसकी उपस्थिति है, अम्ल की उपस्थिति है। और अगर उसका हल्दी का रंग पीला से बदल करके क्या बन गया, लाल बन गया, तो इट मींस उस विलयन में किसकी उपस्थिति है, क्षारक की उपस्थिति, उस विलयन में किसकी उपस्थिति है, क्षारक की उपस्थिति। आप लोगों ने देखो एक चीज कभी कभी ध्यान दिया होगा, देखो कभी कभी ध्यान देना बच्चों, अगर हमारे खाने में जो है क्या गिर गई, सब्जी गिर गई, और सब्जी गिर गई और सब्जी गिरने के बाद अगर हम उसको धोते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पीला रंग होता है वो पीला रंग कैसा हो जाता है, जो कभी कभी जो पीला रंग होता है वो जब जैसे हम साबुन से धोएंगे तो कैसा रंग हो जाता है, वो लाल रंग हो जाता है, ठीक है ना। अब दूसरे प्रकार के जो हमारे पास, दूसरे प्रकार के जो हमारे पास सूचक है, हम कह रहे हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। अब बच्चों दूसरे और तीसरे प्रकार के सूचकों पर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, लेकिन आज देखो तीन चीजें आप बहुत क्लियर हो जाइए, तीन चीजें आप बहुत क्लियर हो जाइए। सांद्र विलयन जो हमने बातें की थी, देखो एक तो लिटमस प्राकृतिक सूचक पे बात हुई थी, उससे पहले हमने जो मुख्य रूप से बात करी थी, देखो हमने मुख्य रूप से बात की थी कि सांद्र और तनु विलयन। तो अब आप लोग आश्वस्त हो जाएंगे सांद्र और तनु विलयन किसको कहते हैं। दूसरी बात, कभी कभी प्रश्न आता है कि जब हम अम्ल का जलीय विलयन बनाते हैं तो उसे धीरे धीरे क्यों हटाते हैं, तो उसका भी क्लियर कारण है ऊष्मा क्षेपी। और अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे आप पे दूसरे प्रकार के सूचक की, कृत्रिम और संश्लेषित, अपने अगले सेशन में। धन्यवाद।